हमारे प्रतियोगी स्टील के अपने पेट के साथ तैयार हैं और पहला पकवान उनके सामने है समुद्री शैवाल का सलाद। माइक आशावादी दृष्टिकोण रखता है और वह तैयार है, पर किएरा वापस बाहर निकल जाने को तैयार दिख रही है। तुम दोनों के खाने का समय शुरू, चलो किएरा कोशिश करके तो देखो। क्या तुम्हें यकीन है कि यह खाने लायक है? इसमें मुझे संदेह है। एशियन भोजन दोस्त वहाँ पर कच्ची मछलियों को बहुत स्वादिष्ट माना जाता है, इसलिए अपने भाग्य को धन्यवाद दो कि हमें उस सामान की बड़ी प्लेट नहीं मिली है खाने के लिए। क्या तुम सुशी के बारे में बात कर रहे हो? मुझे तो अच्छा लगेगा अगर हमें इसके बदले सुशी खानी पड़े, लेकिन यह समुद्री शैवाल का सलाद, छी, यह मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। इससे ऐसा लगता है मुझे तो फूड पॉइजनिंग ही हो जाएगा। खैर, मैं तो अभी भी जिंदा हूँ और ठीक हूँ, तो बस अपना नखरा छोड़ो। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, यह पेट के लिए बहुत भयानक है, मैं इसे जबरदस्ती नहीं खा सकती। तुम तो इसे देखकर ही घबरा गई। क्या तुमने यह नहीं सुना है कि किसी के रूप को देखकर उसके गुण की पहचान नहीं की जा सकती? तुम मेरे बचे हुए खाने को इस बाल्टी में क्यों डाल रहे हो? चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। तो दूसरे दौर में हमारे लिए क्या होगा? वाह, हमें तो इस बार बहुत ही खट्टा का सामना करना पड़ेगा। इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है माइकी? निजी तौर पर जब खाने की बात हो तो मैं कुछ भी करने को तैयार रहता हूँ, बस उपवास के अलावा। मेरा मानना है कि जो भी सामने हो बस खा जाओ और पेट को पता लगाने दो कि उसके अंदर क्या गया है। अगर मैं इस नियम का पालन करूँ तो जीत मेरी है। ओह, यह तो बहुत ही ज्यादा खट्टा है। ओह, चैंपियन कहलाने के लिए हम क्या क्या ना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना माइक? तथ्य के बावजूद कि मुझे पुरस्कार जीतना है, यह नींबू मेरी आंखें और मेरा मुंह बंद करने के लिए निर्धारित है। मुझे लगता है कि अब और मुझसे नहीं हो पाएगा। कुछ मुझसे सीखो एक असली प्रतियोगी, जितना कम तुम इसके बारे में सोचो उतना कम भयानक होगा। और भीड़ पागल हो जाती है क्योंकि माइक फिर से सफल हुआ। और अब थोड़ा नींबू का रस निचोड़ते हैं अपने गुप डब्बे में और अब मैं अपनी मेहनत से कमाए जीत का जश्न मना सकता हूँ। चीटोस, मैं तो इसे जिंदगी भर खा सकता हूँ। मुझे एक पैकेट दो और मैं इसे खोलूंगा और फिर मुझे बस रोकने की कोशिश करके देखो, लेकिन यह करने से पहले ही वह गायब हो जाएंगे। शेक चिल्ली की तरह सोचना बंद करो माइक, खुद के ऊपर ध्यान दो, ठीक है केरा? हाँ, तो तुम्हें लगता है कि दो छोटे हार के बाद मैं जीत नहीं सकती? तुम बस रुको और देखो, तुम्हें आश्चर्य जरूर होगा। गर्व और अहंकार से हीरो की हार हो जाती है। अरे, इसकी अनुमति है? ऐसा तो किसी ने मुझे नहीं बताया कि यह कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर तुम्हें ऐसे खेलना है केरा? पसंद हो या न हो मिस्टर, इस बार जीत मेरी है। केरा, केरा, केरा। और यह बची खुची जो तुम नहीं खा सके वो हम दोनों की चैरिटी बॉक्स में जाएगा। और इस तरफ आ रहा है सबसे बड़ी, सबसे स्वादिष्ट और रसदार फल जिसके बारे में सोच सकती हूँ। स्वादिष्ट? मैं इसे आधे में काटती हूँ कि हम दोनों अपने चम्मच उठाकर इस दौर को आखिर शुरू कर पाए। अभी मैं अच्छे खासे पैसों के साथ शर्त लगा सकता हूँ कि जिसे ज्यादा प्यास लगी होगी उसकी जीत होगी। ओह, यह परेशान करने वाले बीजों को फेंकना मैं नहीं भूल सकता, जो मेरे और मेरे एक और जीत के बीच खड़े हो रहे हैं। क्या तुमने वो देखा? मैं तरबूज का मशीन गन हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम पिछले दौर की तरह मुझे उतनी आसानी से हरा सकती हो तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो मैडम। ऐसा मत सोचना कि तुम लड़की हो तो मैं तुम्हें जीतने दूंगा। तुमने सुना ही होगा जंग में सब जायज है। के प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करने के लिए तुम्हें सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि तुम्हें अपने प्रतिद्वंदी से भी अधिक चालाक होना होगा, और ऐसा है कि मेरे पास दोनों दिमाग और ताकत है, तो ध्यान रखना। माफ करना, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है कि तुम फिर से हार गई। तुम्हारे सबसे नए हार की याद में इस तरबूज को इसमें डालता हूँ। सबसे अच्छा होना तो एक भारी बोझ होता है, लेकिन किसी को तो यह करना ही होगा, और स्पष्ट रूप से तुम यह नहीं कर सकती केरा। खिलाड़ी से नफरत मत करो, खेल से करो। यह सबसे मुझे चिंता हो रही है, छी, इस बच्चे कुछ खाने से कुछ तो बुरा होने वाला है। वाह, आइसक्रीम? बस इतना पता है माइक कि इस बार तुम्हारे जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। बास्किन रॉबिन्स का यह डब्बा खाना तो वर्षों से मेरी खासियत रही है।
खैर केरा, मैं वादा करता हूँ कि जितनी भी मुझे ठंडी लग जाए मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। हाँ ठीक है, भले ही मुझे बुरी तरह से सर्दी लग जाए और मैं 102 डिग्री के बुखार से बिस्तर पर लेटी रहूँ, तब भी मैं हार नहीं मानूंगी। बातें कम और आइसक्रीम ज्यादा केरा, देख लेंगे कि जीत किसकी होगी। तुमने जरूर बहुत कम मात्रा खाया होगा और अभी तुम्हारे लिए बहुत बाकी होगा, तो तुम्हें अपने आप को आइसक्रीम की रानी कहलाने में पछतावा होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा माइक, क्योंकि मैं वही हूँ और अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो खुद अपने आप देख लो। कृपया मुझे केवल रानी केरा कहकर पुकारो, क्या आप कुछ नहीं कहना है? हे भगवान, मैं समझती हूँ कि हार को स्वीकार करना कठिन है, लेकिन तुम्हें इस वाले से समझौता करना सीखना ही होगा और ऐसे ही आगे चलकर बहुत सारे आने वाले हैं। हाँ यार, डोनट्स, मैं सोच ही रहा था कि इनका आगमन कब होगा। आखिरकार ये गोल गोल सुंदरियाँ आज की चुनौती का एक हिस्सा है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं पता कि यह केक कौन ले जाएगा, या मेरा मतलब है डोनट जो यह था। आखिर इसे किसी प्यार नहीं होगा और इसका मतलब है कि अब हमारे पास एक उचित और वास्तविक प्रतियोगिता है। अब चलो केरा, कुछ मत सोचो, बस जितनी तेजी से चबा सकती हो चबाओ। घड़ी टिक टिक कर रहा है, इसका मतलब है कि हर सेकंड बहुत कीमती है। तुम्हारे बारे में तो नहीं पता केरा, पर मैं मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं जल्दी से रुक जाऊंगा। कैसे एक दोस्त अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय में पीछे हट जाए और किसी को भी उसे ज्यादा खाने दे दे। दोस्तों, मेरा पेट तो गहरे गड्ढे के समान है जो कभी भी भरता ही नहीं है, है ना? मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें क्या कहूँ माइकी दोस्त, पर तुम केवल एक ही व्यक्ति नहीं हो जो अंतहीन रूप से खा सकता है। और माफ करना मेरे दोस्त, पर एक बार फिर से तुम्हें मेरी क्षमता के आगे झुकना पड़ेगा। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन तुम उतने तो नहीं खा सकते जितना तुमने सोचा था। और मैं तुम्हारे घाव पर नमक नहीं छिड़क रही, पर स्पष्ट रूप से मैं तुमसे आगे हूँ। हाँ हाँ यार, अब असलियत को स्वीकार कर लो, तुम एक लड़के जो अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय में हो एक छोटी सी लड़की से हार गए हो। ऐसा लग रहा है कि इस बार हमारे प्लेटों में कुछ सब्जियाँ मिली हैं। माइक, और एक छोटी सी लड़की के रूप में हम दोनों जानते हैं इस तरह के सभी पौष्टिक खाना को खाने में मैं अधिक कुशल हूँ। तुम किसी भी निष्कर्ष पर बहुत जल्दी पहुंच जाती हो केरा। बस क्योंकि हम सब जल्दी से बर्गर जैसे खाना को खा लेते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि मक्का और बीन जैसे खाना हम नहीं खा सकते। इसलिए अपनी गति बढ़ाएं या धीमी करें, या तुम मेरे लिए आसान बनाना चाहती हो तो मैं शिकायत नहीं करूंगा, लेकिन तुम इस दौर के अंत में आंसू से बचने वाली नहीं हो। अब आगे बढ़ते हो, मैं अपने शब्दों से पीछे हट रहा हूं। क्या ड्रॉ कहे, तुम्हारा क्या कहना है? तुम्हारी बात से 100% सहमत हूँ। अब मुझमें और इतनी शक्ति नहीं कि मैं इस शाकाहारी खाने को और चबा सकूं। अरे यार, हमारे कंटेनर इस प्रतियोगिता के दौरान अच्छी तरह से भर गए हैं, पर ये देखने में तो और बदतर हो जा रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ इस विषय पर कोई बहस नहीं करूंगा, लेकिन ये जीतने की कुंजी है। ओ नहीं माई, की ऐसा नहीं है, कहो मुझे नहीं करना है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी बच्चों वाली परियों की कहानी का अंत कर रही हो? गलत, अब समय है, खाने जा रहे हैं। पहले चेतावनी ना देने के लिए तुम मुझे माफ कर दो, पर अगर ये बात पहले ही पता चल जाती तो हम शुरू करने से पहले ही इससे दूर भाग जाते, पर अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है दोस्त। अब तुम्हारी बारी। ओह, चुनौतियों की रानी, मैं तुम्हें दुनिया की सारी शुभकामनाएं देता हूँ इसे मिलाने के लिए। तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, एक बार जब मैं कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाती हूँ तब फिर मैं लंबी दौड़ के लिए तैयार हो जाती हूँ। कृपया सभी एक सुरक्षित दूरी पर खड़े हो जाएं, अभी केरा पाक कला के इतिहास का सबसे खराब स्मूदी बनाने के लिए तैयार है। उफ, मानव इतिहास का सबसे खराब स्मूदी। तो अच्छा, अब यह समय इस आविष्कार को चख कर देखने का कि अब वास्तव में हमने क्या बनाया है। तुम्हारे लिए माइक, तुम्हारे लिए प्यार के साथ। गिरोह एक फिल्म देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं और बेशक हर कोई अपने लिए स्नैक्स लेकर आया है, हालांकि हेली के पास रेचल से काफी ज्यादा है। अरे यह सही नहीं है, मुझे भी उतने चिप्स चाहिए। रुक जाओ, तुम दोनों में से किसी ने भी अब तक फ्रेड के बारे बड़े कटोरे को नहीं देखा है। ओह यह रहा, अरे किसी हाल में वो इतने सारे नहीं खा पाएगा, मेरे तो अभी से ही खत्म हो गए हैं। स्पष्ट रूप से फ्रेड समय से पहले ही सोच रहा था उस कटोरे के अंदर कितने पैकेट तुमने डाले हैं यार, जितने भी तुम्हें मिले। फ्रेड मेरे दोस्त, क्या तुम्हें थोड़े चिप्स मुझे नहीं देना है? हाँ, और मुझे भी। माफ करना लड़कियों, लेकिन नहीं, यह केवल मेरे लिए ही पर्याप्त है।
अरे फ्रेड, तुम कुछ तो दे ही सकते हो। तुम्हारे पास 5 लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त है। ध्यान रखना फ्रेड, लड़कियों का मन बन गया है और वो तुम्हारे चिप्स को अपना चिप्स बनाने के लिए दृढ़ है। अरे क्या कर रही हो, यह मेरा है, छोड़ो, यह मेरे है, ध्यान रखना वरना गिर जाएंगे। देखा, मैंने कहा था ना। खैर खैर, अगर तुम देने का मान जाते तो तुम्हारे पास भी कुछ होता, और अब देखो क्या हुआ। सच में दुख की बात है। उफ, वो मेरे पसंदीदा थे तुम दोनों। तो पहले दौर का समय। हमारी तिकरी बहुत सारा खाना खाने के लिए तैयार है, खास करके फ्रेड, जिसकी स्नैक को अभी चोरी हुई थी। फ्रेड चिंता मत करो, बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन होंगे, इतने कि तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि तुम्हें क्या खाना है। पहले देखते हैं कि किसे कितना मिला है, तो चलो हमें दिखाओ। अरे यार, फिर से मुझे सबसे कम मिला। हाँ हाँ लड़कियों, मेरे साथ न्याय हुआ है, और निश्चित रूप से सबसे बड़ा हिस्सा मेरा है, और मुझे भी पहले जितना मिला है। तो क्या हमें देखना चाहिए कि उसके नीचे तुम तीनों के लिए क्या इंतजार कर रहा है? ओह नो, 3 प्लेट ब्रोकली, यह तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है ना फ्रेड? ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो यार, क्या तुम्हें ताजा सब्जियां नहीं पसंद है? इससे तुम्हें समझाया जा रहा है कि बड़ा मिलना हमेशा अच्छा नहीं होता, यह ध्यान में रखना। दोस्तों रेचल, चलो सबको दिखाओ कैसे किया जाता है। यह सच में उतना बुरा नहीं है जैसा मैंने सोचा था, उसे बहुत अच्छा है। हरी चीजें खाना बुरा नहीं होता, और जब ऐसी छोटी मात्रा में खाना हो। ओह, तो लगता है मेरी बारी है। ओह यह बढ़िया है। वाह हेली, आज तो तुम पक्की शाकाहारी दिख रही हो, अपने खरगोश खाना का आनंद ले रही हो। उन चिप्स के बाद थोड़ा बदलाव है ना, शाकाहारी होने की सोच रही हो क्या? ठीक है फ्रेड, लड़कियों को तुम्हें हराने मत देना, उस पेड़ को खा जाओ। नहीं, छी, मैं ये नहीं खा सकता। यह क्या है? यह है तुम्हारी सजा फ्रेड। यह उनके लिए होता है जो उनके सामने दिए गए व्यंजन को खत्म नहीं करते और चुनौती को खत्म नहीं करते हैं। सिर पर मारा जाएगा। अरे यार, तैयार हो जाओ यार, रेचल और मैं जिम्मेदारी को हल्के तरीके से नहीं लेते हैं। 1, 2, 3 और यह रहा। कोई बात नहीं फ्रेंड, चीजें जल्दी बदल सकती हैं। सीधा काम पर आते हैं, कौन क्या खाएगा और कितना, किसी को भी कुछ भी मिल सकता है, लेकिन प्यार और चुनौती में कुछ भी जायज है। मुझे आशा है कि इस बार मैं भाग्यशाली हूँ। मेरा कहना है कि यह जरूर हो सकता है या नहीं, सब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारे लिए क्या बनाया गया है। उन ढक्कनों को उठाने का समय आ गया है दोस्तों। सच में? सच में फ्रेंच फ्राइज? तो अब तुम्हें क्या कहना है फ्रेड, मुंह में पानी आ गया? ओह हाँ, इस तरह के खाने से तो मेरा मन खुश हो जाता है। आखिरकार सच में एक फ्राइज, यह तो कुछ नहीं मिलने से भी बुरा है। और दूसरी तरफ रेचल और फ्रेड को तो एक पूरी दावत परोसी गई है, बस अपने माता पिता को इस बारे में जानने तक नहीं देना, नहीं तो वो एक सप्ताह तक खाने नहीं देंगे। चलो खाओ, ठंडा होने मत देना। वाह फ्रेड, तुम्हें विश्वास है कि तुम यह कर लोगे? हाँ बेशक तुम कर सकते हो, और आनंद लो जितनी देर ले सकते हो, किसे पता आगे क्या होगा। अरे तुम क्या कर रही हो, हाथ दूर रखो, तुमने अपना खा लिया और अब चुपचाप बैठकर मुझे अपना खाते हुए देखो। स्वादिष्ट, मैं तो इसका दुगना भी खा लेता, क्या कहना है दोस्तों? तैयार हो या नहीं, तीसरे दौर का समय आ गया है। हर कोई उतना ही घबरा रहा है जैसे पहले दौर में थे, किसी को भी पता नहीं होता है कि किसे क्या खाना है और कितना, और इसी वजह से चुनौती दिलचस्प होती है। यह ऐसी भी चीज हो सकती है जिसे आप पूरी जिंदगी में कभी ना छूते, लेकिन चुनौती में करना ही होगा, इससे कोई नहीं बच सकता। या तो तुम खाओ या सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, और कौन चाहता है कि सिर पर चोट लगे या उससे भी कुछ बुरा हो। चलिए देखते हैं सबसे नया व्यंजन, वह क्या है? सीवीड लग तो ऐसा ही लग रहा है। छी, यह तो बहुत ही बुरा लग रहा है, क्या वह खाया भी जा सकता है? और यह बदबू। फ्रेड, तुम्हें शुरू करना होगा, तुम्हें बाकी दोनों के लिए ऐसे नए व्यंजन खाने का उदाहरण पेश करना होगा। देखा, उतना बुरा नहीं था। तो रेचल, तुम्हारा क्या ख्याल है? ओह
किसी को तो दंड मिलने वाला है। इस बार में डब्बे को क्या कहना है? क्या सिर पर एक अंडा? यह सही कैसे है? हैली और तुम खाओ मैडम। हैली क्या हुआ? उठो। रेचल को पता है क्या करना है और वह हैली बहुत दिनों से दोस्त है और उसे पता है कि हैली अपने व्यंजन से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही है। हम जानते हैं कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। अब चलो एक कागज के टुकड़े को निकालो। मुझे भी सिर पर अंडा मिलेगा। अरे यार क्या किसी ने मुझे बुलाया? मैं यहाँ तुम दोनों की मदद करने के लिए आया हूँ। और यह रहा एक और यह दो। अब यह वास्तव में मजेदार हो रहा है। अब इन्हें थोड़ा मिला देता हूँ। कार्ड बांटना तो अच्छा होता है। संभावना हो सकती है कि सबसे अच्छा तुम्हें मिले, लेकिन मुझे लगता है कि फ्रेड ने अच्छे से मिलाया है और उसे भी नहीं पता कि किसे क्या मिला, और यह भी नहीं पता है कि क्या परोसा जाएगा, और इसलिए यह भी नहीं कि क्या मिलना बेहतर होगा, बड़ा या छोटा प्लेट। पता लगाने का बस एक ही तरीका है। चलो देखो दोस्तों। वाह, एक बहुत चीज वाला कुड़कुड़ा व्यंजन। वाह यह शानदार है। इन तीनों में से एक तो बहुत खुश है, जो है हैली। उसके सामने उस पहाड़ को तो देखो, लाजवाब। बेचारा फ्रेड, उसे लगा था कि उसे बेहतर विकल्प मिला था, पर अब देखो क्या हुआ। यह अक्सर अच्छे लोगों के साथ होता है। यार अब अपने छोटे प्लेट का आनंद लो। आखिरकार वह कुछ जो मुझे खाना है। रेचल चलो देखते हैं सबसे जल्दी कौन खा सकता है। उन लड़कियों को खाते हुए तो देखो, वे सब कहाँ डाल रहे हैं। आखिर वह कैसे खा पा रही है? क्या तुम लोगों को सच में इतनी भूख लगी है? अब तो तुम चबा भी नहीं रही हो। देखो फंसा मत लेना। अब जल्दी खत्म कर लो, जले पर नमक मत छिड़को। आज चिप्स और मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं कोई तौलिया नहीं हूँ या कुछ ज्यादा हो गया दोस्तों? बड़ा बड़ा सबसे बड़ा, मुझे बड़ी प्लेट चाहिए। मुझे अच्छी अनुभूति हुई और अब मैं दूसरों को अच्छी चीजें और नहीं देख सकता। माफ करना भले आदमी, पर इस बार सबसे अच्छा और सबसे बड़ा मेरा होगा। मध्यम ठीक है, कम से कम मेरे पास छोटा नहीं है, यह कुछ तो है। हाँ तो चलो देखते हैं यह किस तरह का भोजन है। हाँ बिल्कुल वैसा जिसकी मैं उम्मीद कर रही थी। मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं। गैंग के लिए क्लासिक इटालियन डिश उपहार के रूप में मिला है। तुम सभी एक अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन की उम्मीद कर रहे थे तो फिर यह है। पिज्जा से बेहतर कुछ नहीं। सभी खाने वाले को अपना एक स्टाइल होता है और इस थोड़ी थोड़ी करके खाना सबसे बुरा है, है ना रेचल? हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ सकते थे, इससे भी बुरा हो सकता था दोस्त। फ्रेड इतनी जल्दी क्या है? कोई भी तुम्हारे टुकड़े को तुमसे छीन नहीं लेगा, या फिर यह बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है और तुम रुक नहीं पा रहे हो। ठीक है मुझसे और कोई शिकायत नहीं, सब ठीक है। हैली इधर उधर कोई गड़बड़ी नहीं फैलाना चाहती और नैपकिन ठीक ढंग से लगाती है और उतने बड़े से टुकड़े को बड़े प्यार से हाथ में संभालती है। तुम्हें हमारी शुभकामनाएं। उस बड़े से पिज्जा के टुकड़े को उतनी छोटी सी लड़की आखिर कैसे खत्म कर पाएगी? खुशी के साथ और कैसे, सही कह रही हूँ ना हैली? रेचल तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उफ रेचल यह नहीं करना चाहिए था। नियम कहता है अपने हाथ को नियंत्रण में रखो, और उस विशेष नियम को तोड़ने के लिए मुझे डर है कि तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। करो करो। क्या नहीं, एक चम्मच भर कर वसाबी? मैं तीखा भोजन नहीं खा सकती हूँ। अगर तुम कर भी लेती तो भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस तरह के काम को करने की हिम्मत करेगा। पर अच्छी बात यह होगी कि इसके बाद तुम किसी चीज को खाने से डरोगी नहीं, खराब से खराब चीज से भी नहीं। यह तीखा है, बहुत तीखा। इतने सारे अलग अलग खाना खाने के बाद अब थोड़ा आराम के लिए अच्छा समय होगा। बेशक किसी समुद्र तट पर थोड़ा टहल लेना या थोड़ा घूमकर अपनी कैलोरी को कम करना अच्छा होता, पर खेल अभी जारी है और हम सब इसमें शामिल हैं। Yes. प्रत्येक व्यक्ति किस कार्ड पर क्या प्रतिज्ञा करेगा इस बिंदु पर एक रहस्य है। इससे पहले कि वे जाने कि उन्हें क्या खाना है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। ओरियोज़।
नाइस। वाह बहुत बढ़िया। लगता है कि तुम सबकी प्रार्थना सुन ली गई है। यह ट्रीट इतना ज्यादा है कि तुम सभी आराम से बैठकर अपने दोस्तों के साथ इसका आनंद ले सकते हो बिना किसी अन्य चीज की चिंता किए। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे प्लेट में कितने हैं। हम सभी यहाँ दोस्त हैं और नियम साझा करने के बारे में कुछ नहीं कहता है। और दोस्त किस लिए होते हैं, क्या कहती हो लड़कियों? मुझे लगता है कि आप अपने सभी संसाधनों को जमा कर लेते हैं तो फ्रेड बहुत आभारी और खुश होगा, क्या तुम्हें नहीं लगता? वाह क्या सचमुच, क्या यह सब मेरे लिए है? बिल्कुल नहीं, वो सभी तुम सभी के लिए है। और इसी बात पर यहाँ कुछ दूध है। देवियों और सजदों, लड़के और लड़कियों, हम आपके लिए लाए हैं तरबूज, बड़े मध्यम और छोटे आकार के, तुम अपना चुन लो। बेशक यह तब भी स्वादिष्ट होगा चाहे हमारे प्रतियोगी को जो भी हिस्सा मिले। अब कार्ड्स को मिला लो। मेरे पास आओ बड़े तरबूज, यह तो मेरे सिर से भी बड़ा है। तो हेली तुम्हारा छोटा तरबूज कैसा है? यह मत कहो कि वो अच्छा नहीं है, तुम बस दूसरे लोग से जल रही हो। वाह रेचल ये तुमने कैसे किया? क्या तुम एक फ्रूट निंजा हो? तुम्हारे कौशल की दाद देनी होगी। यस। यह इतना रसदार और स्वादिष्ट है। आराम से लड़की, नहीं तो तुम पूरा खा लोगी, वो भी छिलके के साथ। फ्रेड क्या तुम भी ऐसा ही करने जा रहे हो? तरबूज सबसे बड़ा फल है और सबसे अच्छा भी। अरे हाँ मेरा पेट पूरा भर गया। हमारे तिकड़ी के लिए फिनिश लाइन दृष्टि में है और आज के लिए बस यह आखिरी दौर बाकी है। और यह वादा करते हैं कि यह कुछ खास होगा। हम एक चुनौती को एक धमाका के बिना कैसे खत्म कर सकते हैं? ग्रैंड फिनाले के लिए टेबल पर क्या है? मिर्ची, इसे कहते हैं हॉट टेक। एक पायदान ऊपर चढ़ने के लिए तुम सब तैयार हो? तो फिर शुरू करो। अब समय है लड़कों से पुरुषों को अलग करने का। यह इतना तीखा है, मेरा मुंह जल रहा है। बहुत मजा आया फ्रेड। लड़कियों मुझे उम्मीद है कि उसने तुम दोनों को डराया नहीं। हेली तुम ठीक हो? पानी पानी। अरे हम लोग पानी पी सकते थे, मुझे तो ऐसा किसी ने नहीं बताया। यह आखिरी दौर है, यहाँ कुछ भी चलता यार। रेचल मुझे तुमसे सहानुभूति है लेकिन तुम यह कर सकती हो। यह मीठा है। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर सकती। किसने सोचा होगा कि मिर्च भी इतनी स्वादिष्ट हो सकती है? ठीक है फिर आकार को बांटते हैं। आज मेज पर केवल त्रिकोणीय, गोल और चौकोर खाद्य पदार्थ है। सब लोग तैयार? हाँ सब तैयार दिख रहे हैं। अब मुद्दे पर आने का समय। चेल्सी के पास पिज्जा का एक त्रिकोणीय टुकड़ा है, माइक को कुछ गोल नींबू के स्लाइस मिले हैं और एशली को चौकोर हैम स्लाइस मिले हैं। चेल्सी उल्टी गिनती शुरू करती है और अब हम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों मेरे मुंह में यह गर्मी 1000 डिग्री तक बदल गई है। क्या किसी के पास दूध है? यार यह तो बहुत ही ज्यादा खट्टा है। अच्छी बात यह है कि हैम शायद ही कभी तीखा और खट्टा होता है और इसी वजह से इस समय जो मेरी थाली में है मैं उसका आनंद ले सकती हूँ। मैं तुम दोनों से ईर्ष्या नहीं कर रही हूँ, पक्का सच कह रही हूँ। पिज्जा के सबसे मोटे स्लाइस को किसने चुनकर लाया क्या आप पता कर सकते हैं? और इस सबसे कड़वे नींबू को भी।
यह तो पता ही नहीं कि किसने मेरी डिश का चुनाव किया है, लेकिन मैं खुद को इस दौर में भाग्यशाली मान रही हूँ। यह स्वादिष्ट है, अगर आपके पास और है तो मैं और लूंगी। क्या तुम उसे देख रही हो चेल्स? वो तो एकदम सातवें आसमान पर है, जबकि हम यहाँ पीड़ित हो रहे हैं। चलो अब उसे दिखाते हैं। मैं अभी भी जीत सकता हूँ। चलो ये बस नींबू का रस है, मैं खा सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और देखो हो गया। अब सबसे अच्छा कौन है? एक चीज तो निश्चित है कि ये मैं नहीं हूँ। क्यों ना अब हम वसावी, मस्टर्ड और मेयोनीज का गर्मजोशी से स्वागत करें? आप सबका चेहरा क्यों उतर गया दोस्तों? किसी ने तो यह नहीं कहा था कि चुनौती आसान होने वाली है। उफ, इंतजार करने का कोई मतलब नहीं। अरे नहीं, यह मस्टर्ड से बनाई गई शून्य संख्या है, इसका मतलब है डरने का शून्य कारण है। मैं मेयो को बर्दाश्त नहीं कर सकती, बस इसे देखने से ही मेरे पेट में मरोड़ होने लगता है और मुझे इसे पूरा खाना है। ओह, मैं तो आज बस जलती ही रहूंगी। 100 समस्याएं हैं, पर यह सरसों इसमें से एक नहीं है। कम से कम मुझे लो फैट मेयोनीज तो दिया जा सकता था, यह सामान बेस्वाद है। बधाई हो लड़कियों, तुम हार गई हो। अब कभी मेरे तीखे सरसों के साथ प्यार को चुनौती मत देना। प्रतियोगियों के लिए कोई आराम नहीं, हमारी चुनौती जारी है। गोल सुडौल बर्गर, त्रिकोणीय चिप्स और रामेन का एक प्रभावशाली चौकोर टुकड़ा आपके प्यार और ध्यान का इंतजार कर रहा है। अब यह प्रतियोगिता एक रोमांचक दौर के रूप में आकार ले रहा है। ओह, चोट लग रही है। ओह लड़कियों, तुम अच्छा कर रही हो। बर्गर तो मेरा पसंदीदा है। मुश्किल चुनौती है लड़कियों, मुश्किल तुम्हारे लिए होगा शायद, क्योंकि तुम्हें पता नहीं मैं जीत गई। एशली, अब मैं और तुम हैं जो कि दूसरे स्थान के लिए लड़ रहे हैं। धन्यवाद कैप्टन, यह तो जाहिर है कुछ ऐसा है जिसकी तरफ मैं तुम्हारा ध्यान दिलाना चाहती हूँ। इससे पहले कि तुम मेरे थाली में पड़े हुए टुकड़ों को देखकर जश्न मनाना शुरू करो, बस पहले अपने आप पर जल्दी से एक नजर ले लो। अभी भी तुम्हारे पास बर्गर का लीनिंग टावर पड़ा हुआ है। लगता है इस बार हम लड़कियाँ खुशी खुशी मनाएंगे। यह तो मुश्किल चुनौती है। जब तक माइक ठीक हो रहा है, तब तक हम आपको याद दिलाते हैं कि हमारे पागल मजेदार चुनौतियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब आगे हमारे पास एक त्रिकोणीय केक, गोलाकार नारियल और मक्खन का एक चौकोर टुकड़ा है। किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए नहीं। एशली, यह चुनौती तुम्हारे लिए बदतर होती जा रही है। माफ करना दोस्त, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, चौकोर नारियल की तरह कोई चीज नहीं होती है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए धन्यवाद माइक, पर मुझे चौकोर केक का टुकड़ा क्यों नहीं मिल सकता था? माफ करना ऐश, वह डिश पहले ही लिया जा चुका है। तुमने ये कितने आराम से कह दिया चेल्सी। मैं तो नारियल के लिए पागल हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी समुद्र तट पर पहुँच गया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं फ्रेंच बेकरी के एक छोटे प्यारे आरामदायक बूथ में बैठी हुई हूँ। मैं तो इसके लिए खुशी खुशी कुछ भी कर सकती हूँ। सच में चेल्स, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें मीठा इतना पसंद है। एक समुद्र के किनारे तो दूसरा एक फ्रेंच कैफे में, और मैं यहाँ हमेशा की तरह वही प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठकर यह चौकोर बेकार मक्खन का एक टुकड़ा खाने की तैयारी कर रही हूँ। अगर आपको मेरे प्रति थोड़ी भी सहानुभूति है तो मुझे प्रोत्साहन देने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। पहले बर्गर, फिर नारियल पानी, कितना बढ़िया है आज का दिन। वो तो सब ठीक है माइक, लेकिन लगता है तुम फिर से हार गए। क्या सच में? ऐसी उम्मीद नहीं थी। कितना बुरा हुआ। इसे कहते हैं सारे मजाक को खत्म कर देना। और हम योजनाएं तैयार करते रहते हैं। चेल्सी, हमें आशा है कि आपको बदबूदार चीज मिली है, शायद आकार इसके स्वाद को ठीक कर दे। माइक 3-0 को देख रहा है कुछ ओरियो के साथ, और एशली, यह आपको खुश कर देगा, एक चौकोर बेल्जियन वफल। ओह मेरे प्यारे ओरियो, इसे कौन पसंद नहीं करेगा? अब तक की सबसे अच्छी चुनौती। मैं भी इस बार तुमसे सहमत हूँ माइक, स्ट्रॉबेरी जेली के साथ वफल अब तक का सबसे अच्छा डिश। मेरा क्या, मेरे लिए यहाँ क्या है?
जो तुम्हारे सामने है उसका आनंद लो। एक खुला दिमाग और एक अच्छा रवैया एक अच्छे दिन की गारंटी देता है। तुम्हें किसी ने भी आज की चुनौती में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया था, और यदि तुम डाटा को देखती हो तो तुम्हारे पास कुछ भागशाली राउंड थे, क्या ऐसा नहीं है? उसकी क्या बात करती हो, मैं तुम दोनों से कहती हूँ कि इस बदबूदार त्रिकोण का एक टुकड़ा भी खाकर दिखाओ, पर तुम्हें पता है मैं इसे दुनिया से गायब कर दूंगी, बस देखो। आखिरकार मैं इस बार विजेता टीम में हूँ। मुझे तुम पर गर्व है ऐश, और तुम्हारा क्या हाल है चेल्सी, अब तुम रुक सकती हो। अरे नहीं, मुझे आज एक बात पता चली, यदि तुम नाक बंद करके नीला चीज खाते हो तो यह आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट है, मैं इसे पूरा खत्म कर दूंगी। ठीक है, तब अपने चीज का आनंद लो। एक आइसक्रीम कोन, एक प्यारा गोल डोनट और आपके मुंह में पिघलने वाली एक चॉकलेट की ईंट, एक मीठा ट्रीट सभी के लिए। मैं कह सकती हूँ कि इस बार आप सभी विजेता हैं, कोई शिकायत नहीं दोस्तों, बस ये देखना है कि प्रथम स्थान पर कौन आता है। तो काम पर लग जाओ देवियों और सज्जन। इस राउंड में किसी को कोई समस्या नहीं है। आपको पता है मिल बांट कर खाना अच्छा होता है दोस्त। तुम दोनों मुझे बधाई दे सकती हो क्योंकि मैं विजेता हूँ। दूसरे स्थान पर चेल्सी आती है, और एशली क्योंकि जीत अब कोई विकल्प नहीं है तो शायद तुम अपना चॉकलेट बार हमारे साथ बांटना चाहती हो। दोस्त एक दूसरे के काम ना आए तो फिर क्या फायदा। अगर चॉकलेट की बात हो तो हम तुम पर भरोसा रख सकते हैं ऐश। सभी ने अच्छा काम किया, अब आगे क्या है? तब फिर से वापस रिंग में आते हैं। ऐसा लग रहा है कि हमें एक बहुत रचनात्मक चुनौती मिली है। मैं पेश करती हूँ एक त्रिकोणीय गाजर हमारे बाईं तरफ, सामने और केंद्र में एक गोल बोतल तीखे सॉस की, और एशली का भाग्य उसका साथ फिर दे रहा है और वह स्नीकर्स क्यूब्स के साथ है। काश मैं भी तुम होता। क्या मुझे ये पूरी बोतल पीनी पड़ेगी? लगता है कुछ भयंकर जलन होगी। आखिरकार अब ये चुनौती तुम्हारे लिए हो गई। मौका मिलने पर बेहतर आकार चुनने चाहिए था। मैं इसे कैसे खाऊं? ठीक है, तुम अपने कैंडी का आनंद लो और मैं बस इसे खोलता हूँ। बस इसे सूंघकर ही मेरे नाक में इतनी जलन हो रही है। यह तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या है भले आदमी, कभी कहना मत कि मैं चुनौती से पीछे हट गया। पुराने दिनों को याद करके जब मैं यंग और हैंडसम था। एक टोस्ट तुम दोनों के लिए। यह जितना मैंने सोचा था उससे भी बदतर है। उफ्स, माफ करना कैमरामैन। जल्दी मुझे मुंह में डालने के लिए कुछ दो। तीखा, अब हट जाओ। कैंडी, यह अब तुम्हारा प्रवेश द्वार है। हाँ, अब अच्छा महसूस हो रहा है, धन्यवाद। ठीक है, अब वापस आते हैं। तुमने मेरी जीत सुनिश्चित की है। मेरी मदद करो, मैं सच कर रही हूँ, मेरे गले में यह फंस गया है। बेचारी चेल।